हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। CET ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। 13,500 पदों पे भर्ती है और 6 जून से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगस्त सितंबर में इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो नौकरी लेने के लिए आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे CET ग्रुप डी में? एक पेपर के बेस पे नौकरी मिलेगी या इस पेपर के बाद एक बार फिर से दोबारा पेपर होगा फिर जाके नौकरी मिलेगी? बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो आपका ग्रुप डी का सिलेबस जो नोटिस आया है उसके अंदर ऑफिशियल सिलेबस दे दिया गया है, ऑफिशियल एग्ज़ाम का पैटर्न दे दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नए पैटर्न के ऊपर, तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर नया बैच स्टार्ट हो गया है। अभी स्टार्ट हुआ है CET ग्रुप डी का स्पेशल बैच है, जिसके अंदर थ्योरी भी करवाई जाएगी, जिसके अंदर MCQ भी करवाए जाएंगे। 1299 रुपये फीस है, ठीक है, प्लस में GST है। तो वैलिडिटी इसकी एग्ज़ाम तक रहेगी। एग्ज़ाम कभी भी हो, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में, जब तक वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी की संख्या बढ़ गई है, 13,000 हो गई है और अभी नया बैच है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बाजिया सर है, KD सर है, अंशुल सर है, यशवंत सर है, पवन शास्त्री सर हैं, SK सर हैं, आपके हर सर हैं और इसके अलावा साइंस के एक और टीचर हैं। तो यहाँ पर ये सभी लोग आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो आपको क्या करना है, अपना जो ऐप है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है प्ले स्टोर से वो इंस्टॉल करना है और आपको डेमो देखना है। डेमो YouTube के ऊपर भी है और KTDT ऐप पर भी है। कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका दिल करे, यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये और स्पेशल ऑफ़र चल रहा है अभी, तो एक मिनट, ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये वाला है जी। देखिए, जो CET सी लेवल का होता है, जो CET सी लेवल का होता है उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं भर्ती के लिए, नौकरी के लिए। एक तो CET का जो परी हुआ है वो, ठीक है, और अब CET मेंस होगा। क्या हुआ जी? अब CET मेंस होगा, यानी कि CET का जो सी लेवल की भर्तियां हैं उसके अंदर 2 एग्ज़ाम हैं और जो ग्रुप डी है दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें आपका जो ये एग्ज़ाम होगा अगस्त सितंबर में ये ही एक एग्ज़ाम होगा। ग्रुप डी के लिए डायरेक्ट इस एग्ज़ाम के बेस पे नौकरी मिलेगी जो अब आप अगस्त सितंबर में देने वाले हो, ठीक है। यानी कि ग्रुप डी के लिए एक ही पेपर होगा, इस एक पेपर के दम पर ही, एक पेपर के मेरिट के बेस पे ही आपको नौकरी मिलने वाली है। इसके आगे और कोई ना इंटरव्यू है, एक पेपर दो, मेरिट में आओ, डॉक्यूमेंट बढ़िया से चेक कराओ और नौकरी ले जाओ। यानी कि एक पेपर होगा दोस्तों, तो एक पेपर के लिए आप दम कम दिखा सकते हो। यहाँ पे 2 पेपर देने की ज़रूरत नहीं, आपको एक पेपर के दम पे ही नौकरी मिलने वाली है। यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 जून है, सॉरी 6 जून नहीं है, 5 जून से लेके 26 जून तक आपके फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी के सारे डिटेल कल मैंने वीडियो में बताई थी, ठीक है। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। सिलेबस आपका ये है, ठीक है, और इसी के बेस पे हम अपनी जो तैयारी है वो आपको करवा रहे हैं इस बैच में। धन्यवाद, भगवान की कृपा से सभी का समय शुभ रहे।